हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम मटर और आलू की एकदम नई रेसिपी बनाने चल रहे हैं। तो ये हम आधी कटोरी मटर लिए हैं, ये एक आलू लिए हैं, इसको बारीक कद्दूकस कर रहे हैं इस तरीके से। देखिए, ज़्यादा मोटा हम नहीं कर रहे हैं, मीडियम। ये आलू इस तरीके से कद्दूकस हो गया है, देखिए। अब इसको हम अच्छे पानी से धुल लेते हैं साफ से। मटर दरबरा कूट लिए हैं, ये देखिए, पीसे नहीं हैं हम, इसको बाउल में पलट ले रहे हैं। और ये आलू धुले हैं तो इसका पानी इस तरीके से दाब के निकाल ले रहे हैं, इसको भी बाउल में इस तरीके से रख ले रहे हैं। देखिए, इसका सारा हम पानी निकाल दिए हैं आलू का। अब इसमें हम 3 चम्मच बेसन ले रहे हैं, ये खाने वाला चम्मच है। अगर बेसन हम कम डाल रहे हैं, अगर कम लगेगा तो बाद में और ले सकते हैं। अभी इसको मिलाएंगे। पहले इसमें हरी धनिया ऐड कर रहे हैं, बारीक कटा हुआ एक मिर्च लिए हैं, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च दरबरी कुटी हुई, आधा छोटा चम्मच जीरा, हल्दी, स्वाद अनुसार नमक ले रहे हैं। इसको हम चम्मच से इस तरीके से मिला लेंगे। अभी हम पानी नहीं डालेंगे, पानी बाद में अगर हमको सूखा लगेगा तो डालेंगे, नहीं तो बिना पानी के हम बनाएंगे। तो इसको देखिए इस तरीके से मिला लिए हैं। बेसन हल्का लग रहा है तो बेसन अभी हम थोड़ा और ले रहे हैं। 1 चम्मच बेसन देखिए इसमें और हम मिला रहे हैं, इस तरीके से मिला ले रहे हैं बेसन को। इसको हाथ से हम मिला लिए, देखिए पानी की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही गीला हो गया है, एकदम सॉफ्ट हो गया है। तो इसको हम बनाने चल रहे हैं। ये हम कढ़ाई रख दिए हैं, तेल गरम हो रहा है मीडियम। इसमें इस तरीके से छोटे छोटे पीस करके हम डाल रहे हैं। ये देखिए, इसको हम पलट दिए हैं, एक तरफ हो गया है। मीडियम गैस पे हम पका रहे हैं, ज़्यादा गैस तेज़ नहीं करेंगे, नहीं तो जल जाएगा। इसको इस तरीके से बराबर चलाते हुए लाल ब्राउन हो रहा है, ये हम निकाल ले रहे हैं प्लेट में। इसको यही कुरकुरे क्रिस्पी बन रहे हैं। और इसी तरीके से हम और बना ले रहे हैं। ये इस तरह से और बन गए हैं, पूरा रेडी हो गया है बन के। देखिए, आप चाहे जब बना सकते हैं, कोई भी मेहमान आए तो चाय के साथ या नाश्ते में, आप इसको बच्चे बहुत पसंद करेंगे। ये देखिए, बहुत ही कुरकुरा है और बहुत ही स्वादिष्ट है। इसके साथ हम चटनी ले रहे हैं और ये हमारा नाश्ता बनके रेडी हो गया है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। अगर हमारा तरीका पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। सभी भाई बहनों को नमस्कार और धन्यवाद।